Welcome dear students, I am Ritesh Pawar from New Catholic Mission School, Jhabua. Today I am going to teach you Mathematics of class 9th, chapter number 12, okay, containing the chapter, here, exercise 12.2, okay, exercise number 12.1, मैंने last video में आपको पूरी बताई थी, ठीक है, so, starting with the question number 1, the question is, a park is in the shape of quadrilateral ABCD, एक park है, okay, It is in the shape of quadrilateral, which has angle C equals to 90 degree, AB side is 9 meter, side BC 12 meter, side CD 5 meter, and AD equals to 8 meter. Given here, how much area does it occupy? So, kitna area occupy kar raha? That means you need to find the area of the quadrilateral. Okay, so let me draw the quadrilateral first. Okay, this is your quadrilateral. Clear? क्वाड्रिलेटरल बना लिया क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स ओके सो एंगल सी 90 डिग्री गिवन है यहां पर सो दिस इज ए बी सी डी दिस इज ऑफ एंगल सी ऑफ 90 डिग्री गिवन ए बी इक्वल्स टू 9 मीटर ए बी ऑफ 9 मीटर बी सी ऑफ 12 मीटर बी सी ऑफ 12 मीटर सी डी ऑफ 5 मीटर दिस इज ऑफ 5 मीटर ओके एंड एडी ऑफ 8 मीटर एडी ऑफ 8 मीटर ओके सो नाउ दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल विद द गिवन साइड्स एंड वन एंगल क्लियर सो नाउ यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल सो लेट मी डिवाइड दिस क्वाड्रिलेटरल इनटू टू ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ अ डायगोनल बीडी एक डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहां पर बीडी ठीक है सो इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को मैं लिख सकता हूं सॉल्यूशन एरिया ऑफ एबीसीडी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पूरे को मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी डी ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला और ये वाला ट्रायंगल बी सी डी ये वाला ट्रायंगल लिख सकते हैं दो ट्रायंगल में ठीक है मैंने इस क्वाड्रिलेटरल को डायगोनल की मदद से दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया अब दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकालेंगे फिर हम इसको प्लस कर देंगे क्लियर ओके सो एरिया ऑफ ए बी डी एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी ठीक है ऐसा कर सकते हैं ठीक बट अगर हम बी सी डी एरिया भी लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी निकालते हैं तो उसमें तीन साइड होनी चाहिए हमें हीरोज फॉर्मूला का पता है क्या होनी चाहिए बी सी एक साइड गिवन है सी डी एक साइड गिवन है थर्ड साइड इज मिसिंग हियर ओके सो बट वी नो दैट मैं साइड में एक चीज करता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल दिस बी सी डी इन ट्राइंगल बी सी डी वी नो दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम पता है हमें सो फॉर दिस ट्राइंगल बी सी डी बेस इज दिस ओके परपेंडिकुलर इज दिस एंड हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है सो बीडी इज हाइपोटेनस बीडी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज सीडी स्क्वायर प्लस बेस इज बीसी स्क्वायर ओके पुटिंग वैल्यू ऑफ सीडी एंड बीसी वैल्यू ऑफ सीडी इज 5 मीटर स्क्वायर बीसी इज 12 5 का स्क्वायर 25 12 का स्क्वायर 144 दोनों को ऐड किया 169 इट इज द स्क्वायर ऑफ 13 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल डाउन देयरफॉर बीडी इक्वल्स टू 13 मीटर ओके 13 मीटर ये वैल्यू आ गई बीडी की कितनी आई 13 मीटर ओके अब दोनों ट्रायंगल एक एक बार लेंगे और उनका एरिया निकाल लेंगे है ना निकाल ले नाउ एरिया ऑफ ए बी डी अलग अलग निकाल लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी डी इन ट्राइंगल दिस ए बी डी है ना इन दिस ट्राइंगल ऐसा लिख लो इन ट्राइंगल ए बी डी वी नीड टू फाइंड ए बी सी तीन साइड निकालनी है हमें हीरो फॉर्मूला में हमें तीन साइड पता होनी चाहिए ट्राइंगल की सो एक साइड है 9 एक है 30 और एक है 8 ए इज 9 देन बी इज 13 मीटर
एंड सी इज 8 मीटर। ओके, तो हमारे पास तीन साइड आ गई है ट्राइंगल की। जब हमें तीनों साइड पता हो ट्राइंगल की, तो हम क्या करते हैं, हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हीरोज फॉर्मूला पता है ना आपको, लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो आप पहले देखेंगे, तभी आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ फर्स्ट वी डिफाइन सेमी पेरीमीटर एस, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, दैट इज 9 प्लस 13 प्लस 8 अपॉन टू। ओके, 8 प्लस 9 दैट इज 17, 17 एंड 13 30 अपॉन टू दैट इज 15, 2 15 जा 30, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई है, 15 आ गई है, ठीक है, फॉर द ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। सो अब हम हीरोज फॉर्मूला में एस की, ए की, बी की, सी की वैल्यू पुट कर देंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी निकाल लेंगे। निकाले, आगे बढ़े। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल्स टू, व्हाट इज हीरोज फॉर्मूला, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वैल्यू ऑफ एस इज 15, अभी निकाली हमने, ठीक है। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ एस ए बी सी, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो वैल्यू ऑफ एस इज 15, 15 माइनस ए इज 9, 15 माइनस बी इज 13, 15 माइनस एस माइनस सी दैट इज 15 माइनस 8, ओके, ठीक है। नाउ सबट्रैक्टिंग दिस 15 मल्टीप्लाई 15 में साइन गया तो 6, 15 में साइन गया 2, 15 में साइन गया तो 7, ठीक है। ओके, नाउ अब इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। 15 का फैक्टर 3, 5 जा 15, 6 को लिख सकते हैं 2, 3 जा 6, 2 एज इट इज, 7 एज इट इज। ओके, नाउ जिन जिन के पेयर बन रहे हैं उनमें से एक वैल्यू बाहर निकाली है, ये 3 और 3 का पेयर बना, उनमें से एक 3 रूट के बाहर, 2 का पेयर बना तो एक 2 बाहर, अब बचा क्या, 5 सिंगल वैल्यू है, 7 सिंगल वैल्यू है, तो इनको मल्टीप्लाई करके रूट में रहने दो, 5 7 जा 35 दैट इज 6 रूट 35, तो दिस इज योर एरिया ऑफ ए बी डी। इस ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया, 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। ओके, यूनिट कितना नहीं भूलेंगे, ठीक है, ये आ गया ए बी डी का एरिया। Now we need to find area of BCD also. Now in triangle BCD, ठीक है, area of BCD equals to, okay, since this is a right angle triangle, तो right angle triangle का area हम direct निकाल सकते हैं, कैसे, half into base into height से, है ना, right angle triangle हो तो आप direct ये वाला formula apply कर सकते हैं। So half as it is, what is the value of base, base is 12, height is 5, so 2 1s are 2 6s are, what remains, 6 and 5, so 30 meter square, this is the area of BCD, yeah, yeah, 30 meter square area of BCD, okay, okay, now we need to find area of quadrilateral ABCD, पूरे का एरिया निकालना है, इन दोनों के एरिया को हम प्लस कर देंगे, ठीक है, आ जाएगा, कर लेते हैं। सो नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल, ओके, इक्वल्स टू एरिया ऑफ एबीडी, ट्राइंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, व्हाट इज एरिया ऑफ एबीडी, 6 रूट 35, ओके, 6 रूट 35 प्लस बीसीडी दैट इज 30, ओके, सो हम इसे लिख सकते हैं लाइक दिस, ओके, और हम चाहे तो 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन लिया रूट 35 दैट इज 6 5 जा 30, सो दिस इज योर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्लियर स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज अ ट्राइंगल एंड द पैरेललोग्राम, एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस, दोनों सेम बेस पर बने हुए हैं, ओके, एंड सेम एरिया, एंड बोथ द फिगर्स हैव द सेम एरिया, ओके, नाउ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ओके, ट्राइंगल सिंबल ऑफ ट्राइंगल इज हियर,
sides of triangle are 26 cm, 28 cm and 30 cm. All the sides of triangle are given here. And the parallelogram extends from the base 28 cm. और parallelogram का जो base है वो 28 cm है. Okay? So, triangle और जो parallelogram है, दोनों एक ही base पर बने हुए हैं. It is given here, same base. तो दोनों का जो बेस होगा वो 28 सेंटीमीटर का होगा, है ना. यहाँ पर पैरेललोग्राम का बेस 28 है और ट्राइंगल का बेस भी 28 होगा. यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम. सो वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. फर्स्ट लेट मी ड्रॉ द फिगर. ओके, सो दिस इज द पैरेललोग्राम. ओके, एंड ट्राइंगल इज ऑल्सो ऑन द सेम बेस. दिस इज द ट्राइंगल. ओके, ऑन द सेम बेस. लेट दिस इज योर ए बी सी डी parallelogram. Okay, and EBC is a triangle. Okay, both are the same base. Triangle के side से 26, 28, 30 और दोनों का base जो 28 है, 28 centimeter. तो remaining दो side हम इसकी लिख देते हैं 26 centimeter and 30 centimeter. Okay, अब सुनिए, यहाँ पर ये बोला है कि दोनों का area same है. तो जितना area triangle का होगा, उतना ही area parallelogram का होगा. तो पहले triangle का area निकाल लें, है ना, निकाल लेते हैं. सो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ई बी सी साइड्स आर, पहली साइड से 26 सेंटीमीटर, ए साइड 26, बी इज 28 एंड सी इज 30 सेंटीमीटर. तीनों साइड यहां पर बी वन है, ठीक है. सो क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए जब हमारे पास तीनों साइड से, तीनों फॉर्मूला का यूज करते हैं, करते हैं. ओके, सो लेट मी फर्स्ट एस निकाल लेते हैं. क्या निकालते हैं, एस दैट इज सेमी पेरीमीटर. ओके, सो लेट मी फाइंड द सेमी पेरीमीटर फर्स्ट. देन द फॉर्मूला ऑफ सेमी पेरीमीटर एस इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. क्लियर. सो नाउ इट इज 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2, 8 प्लस 6 14, 4 5 6 7 8 84 अपॉन 2 दैट इज 42. कट करने पर 42 आ जाएगा. सो दिस इज योर एस, एस इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर. ओके, एस आ गया हमारा, सेमी पेरीमीटर आ गया. अब हम इसका ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, निकाल लें विद द हेल्प ऑफ हीरोज फॉर्मूला. क्लियर. सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी इक्वल्स टू एस रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. दिस इज एरिया फॉर्मूला, ठीक है. नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ एस, ए, बी एंड सी, एस इज 42, एस इज 42 अगेन, वैल्यू ऑफ ए इज 26, एस माइनस बी दैट इज 42 माइनस 28, अगेन एस माइनस सी दैट इज 42 माइनस 30. ओके, ए बी सी का और एस का वैल्यू पुट कर दिया हमने. नाउ 42 मल्टीप्लाई 42 माइनस 26 दैट इज 16, 42 माइनस 28 दैट इज 14, 42 माइनस दिस दैट इज 12. क्लियर. अब इन वैल्यूज का फैक्टर निकाल लेते हैं. 2 3 6 6 7 42, ये 42 के फैक्टर हो गए. 16 के फैक्टर क्या होंगे, 2 to the 4, 2 to the 4, 4 to the 16. ओके, और 14 के फैक्टर, 14 को 2 से अंदर 14 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. 12 को 2 to the 4, 4 to the 12. सो यहाँ पर सभी के फैक्टर्स निकाल लिए. अब पेयर बनाएंगे, है ना, दो दो के. सो नाउ ये 2 के साथ ये 2 का पेयर बना, जिनका पेयर बन जाएंगे से एक वैल्यू बाहर ले लो, ठीक है. देन ये 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना. ओके, सो यहाँ एक 2 बाहर आ गया. ओके, नाउ देन ये 3 के साथ ये 3 का पेयर बना, ये 7 के साथ ये 7 का. ओके, यहाँ पर सभी वैल्यूज बाहर आ गई रूट के, ठीक है. मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो बचा है रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए रूट हट गया यहाँ पर. सो नाउ ये आप नहीं करेंगे, ठीक है, लाइन नहीं बनाएंगे आप, मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया था. ओके, और 2 to the 4, 4 3 is 8, 8 to the 16, 16 3 is 48 and 48 7 is 336. ओके,
So now, ये आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. Okay students, so ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC. Clear? Now, question में कहा गया है, both the figures have the same base and the same area. अब दोनों फिगर जो पैरेललोग्राम है और ट्राइंगल है, दोनों का एरिया कैसा है? सेम है ना? तो जितना एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 336, उतना ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा. इट इज गिवन. ओके, तो आगे सॉल्व करके देखते हैं. So students, it is given that area of parallelogram equals to area of triangle. Okay, it is given. And what is the area of triangle? अभी हमने निकाला 336 centimeter square. निकाला? Okay, now putting the value, formula of parallelogram, area of parallelogram. What is the formula of area of parallelogram? That is base into height, base into height. Okay, so now it is also given in our question that the parallelogram stands on the base 28 centimeter. Parallelogram का जो base है 28 centimeter given है हमें. So base की जगह value put करते हैं 28, height as it is 336 as it is. Okay, ठीक है. Now height as it is 336 as it is, multiply by 28 है, transpose करेंगे तो divide में जाएगा 28. Okay. Now, दोनों इवन नंबर है, कैंसिल कर सकते हैं, से करते हैं, टू से करते हैं, छोटी वैल्यू से. 214 का 216 का 8 का. ओके, सो नाउ 27 का 284 का 7 टू का 14. सो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर. देखिए दोनों के एरिया सेम थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू पुट करी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करा, बेस गिवन था, बेस की वैल्यू पुट करी, मल्टीप्लाई बाय 28 था, डिवाइड में ले गए. ओके, कट करने पर 12 बचा. सो देयरफॉर हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर. जो पैरेललोग्राम का हाइट होगा ये. ओके, तो ये कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा. ओके, हमें यही फाइंड करना था, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, समझ में आ गया होगा आई थिंक सो. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस भी कुछ इसी टाइप से हैं. ठीक है, सो उन क्वेश्चंस में भी आपको हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके आंसर्स निकालना है. क्लियर है? सो हियर आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस वीडियो. ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक बाय बाय, टेक केयर.